सुंदर कांड वाल्मीकि रचित संस्कृत रामायण का 5वां अध्याय है। यह एक विशेष अध्याय है क्योंकि इस प्रकरण में मुख्य पात्र हनुमान जी थे, न कि भगवान श्री राम। सुंदर कांड में हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता के पास तत्कालीन भारत और श्रीलंका के बीच बड़े विशाल समुद्र को पार करने और रास्ते में सुरसा और सिम्हिका को हराने के बारे में बताया गया है। हनुमान जी भगवान राम द्वारा सीता जी को दी गई अंगूठी प्रदान करते हैं। इस अंगूठी से उन्होंने हनुमान जी की पहचान की पुष्टि की, क्योंकि रावण जादू टोना करके सीता जी को धोखा देने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद हनुमान जी ने रावण को सीता जी को न छोड़ने के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी, जिससे उनकी पूंछ में आग लग गई और पूरी लंका जल गई। सुंदर कांड रामायण में एक अत्यंत पूजनीय ग्रंथ है, जिसका उपयोग विभिन्न सांसारिक इच्छाओं, सपनों और भौतिकवादी लाभों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग उच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। श्री शनि ग्रह के खराब संचलन के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी के भक्त प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को इस पूरे अध्याय का पाठ करते हैं। एक महान अनुष्ठान यह है कि जब तक समस्याएं कम या मिट न जाएं, तब तक प्रतिदिन सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक दोहे के साथ ओम राम रामाय नमः मंत्र के उच्चारण के साथ यज्ञ वातावरण को उच्च स्तर की ऊर्जा से गूंजायमान करता है। यज्ञ के लिए प्रत्येक दोहे का निम्न प्रकार से पाठ करें। ओम राम रामाय नमः। राम काज करी फिर मैं आओ, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाओ। ओम राम रामाय नमः। इस प्रकार एक एक दोहे का संपुट पाठ करके पूरे सुंदर कांड का अनुष्ठान करें। आम की लकड़ियों और घी, किशमिश, मिष्ठान और सुगंध से मिश्रित हवन सामग्री से यज्ञ किया जा सकता है। इस यज्ञ को सप्ताह में 2 बार सुंदर कांड के पूर्ण पाठ के साथ दैनिक आधार पर किया जा सकता है, जब तक कि समस्या पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। इस प्रकार का अनुष्ठान आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए बहुत अच्छा है और इसे पूरी पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए।